आज हम कुछ कटिंग्स फ्री में तैयार करने वाले हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल में। आज मैं जो आपको कटिंग्स बताने वाली हूँ वो एक बच्चा भी लगा लेगा। और ये जो आप देख रहे हैं डिब्बे, एक रसगुल्ले का डिब्बा है और एक वेस्ट डिब्बा है ये, जिसका मैंने DIY बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। और एक मैंने बनाया है डिस्पोजल बॉटल से। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मिट्टी भर के रख देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टेरेस गार्डन पर। तो इन सब में मैंने ड्रेनेज होल बनाया है, जैसा कि हमें हर गमले में बनाना होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बिछाया है एक कपड़ा, वेस्ट कपड़ा, ताकि हमारे गमले में से सिर्फ पानी ही बाहर निकले, मिट्टी बाहर ना निकले। मैं यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रही हूँ, यानी काली मिट्टी ले रही हूँ। उसके अंदर मैं कंपोस्ट ऐड करूँगी, जो कि मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, 15 रुपये किलो। और आपको भी यदि लानी है तो ले आइएगा। मैंने नर्सरी का वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी मेरा नर्सरी जाने का भी है, तो अगर मैं गई तो आपको ज़रूर विजिट कराऊँगी नर्सरी का। अभी मैं हमारे तीनों डिब्बों में मिट्टी भर लूँगी और इसके अंदर मैं ये खाद मिक्स कर दूँगी। नॉर्मली मैं अपने सारे गमलों में ये खाद मिक्स करके ही फिर प्लांट्स लगाती हूँ। और अभी मैं फटाफट से इसमें मिट्टी भर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसमें मिट्टी भर ली है और अभी मैं इन तीन प्लांटर्स में ही लगाऊंगी, लेकिन आपको मैं और भी कटिंग्स बताऊंगी जो कि आप इजीली लगा सकते हैं। तो फर्स्ट, सबसे इजी टू ग्रो अगर कोई कटिंग है तो वो है मॉस रोज की। ये इतनी इजी टू ग्रो है कि कोई बच्चा अगर तोड़ के ऐसे ही लगा देगा ना, तब भी लग जाएगी। और कई बार तो जैसे चिड़िया वगैरह होती है, ये भी तोड़ करके ले जाती है कटिंग्स को और फिर कहीं डाल देती है गार्डन वगैरह में, तब भी ये उग जाती है। मैं तीन कटिंग्स तो लगाऊंगी ही, लेकिन आपको मैं बहुत सारी कटिंग्स ऐसी बताऊंगी जिसको आप बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। तो आपको उन्हें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप उन्हें कहीं देखते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, कहीं फ्रेंड्स के यहाँ पे, तो आप उनसे भी वो कटिंग ले सकते हैं। या आपके यहाँ पहले से लगी हुई है तो आप उन्हें और मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा फ्री में प्लांट्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ कटिंग्स लगा करके भी दिखा देती हूँ। तो पहले मैं ले रही हूँ मॉस रोज की कटिंग्स। इसमें मैं दो कलर ले रही हूँ, वाइट और रानी कलर यानी पिंक कलर। तो ये दोनों ही मैं लगाऊंगी एक बॉटल में, तो जिससे जब ये दोनों ही कलर के फ्लावर्स एक साथ खिलेंगे ना एक ही पॉट में, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत ही लेंदी लेंदी सी हो गई है ब्रांच, इसके नीचे को लटक रही है, वहाँ से मैं तोड़ लूँगी, जिससे दो फायदा होगा। एक तो जहाँ से हम तोड़ेंगे तो वहाँ से दो तीन ब्रांच और निकलेगी, तो हमारा प्लांट घना होगा और साथ ही में हमारे और नए फ्री में प्लांट्स बन जाएंगे। और ये प्लांट भी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से सिर्फ एक दो डंडियाँ ही लेकर के आई थी, और अभी तो इतने सारे हो गए हैं हर जगह हर गमले में। तो अभी देखिए, छोटा सा एक डिब्बा है, इसमें मैंने लगा रखा है, ये पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, तो ये छोटे से गमले में लगा हुआ है और साथ में मैंने इसमें एक डंडी लगा दी थी, तो बहुत सारे इसके अंदर बन गए हैं। और आज एक गुलाब भी खिला है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी देखिए, घटा छाई हुई है, लगता है बारिश आने ही वाली है। बारिश आने से पहले हम जल्दी जल्दी हमारा काम कर लेते हैं। तो एक तो मैंने ले ली थी वो ऑफिस टाइम की कटिंग, और साथ में मैं ले रही हूँ ये पुदीना की कटिंग। पुदीना भी बहुत ही ईजीली लग जाता है। एक डंडी भी आप लगाते हैं तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो पूरे गमले में फैल जाती है, और फिर वहाँ से नई ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। जड़ों से वापस से ये ऊपर की तरफ बन के और बहुत सारे इसके प्लांट्स हो जाते हैं, पूरा गमला जो है भर जाता है। और ग्रीनरी तो बढ़ती है, साथ में यदि कभी हमें चटनी बनानी है तो तोड़ कर ले आओ और चटनी बना लो। इसका भी लगाने का तरीका सेम ऑफिस टाइम की तरह ही होता है। तो चलिए इनको लगा लेते हैं, क्योंकि अब बारिश का भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है बारिश, तो जल्दी जल्दी से हम इनको लगा लेते हैं। ये प्लांटर्स मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे और रखे हुए थे, अभी जब मैं सफाई कर रही थी तो फिर मुझे मिले, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनमें कुछ लगा दिया जाए। फिर जैसे ही मैं लगाने को आई तो फिर मुझे याद आया कि अरे, आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करूं, तो फिर से मैं गई और मोबाइल लेकर के आई और फिर आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी हो गया और घर में हरियाली भी आ गई। और साथ ही में हम इसमें पुदीना भी लगा देंगे, जिससे आप पुदीने का जूस भी ले सकते हैं और चटनी भी बना सकते हैं।
अब थर्ड वाला जो हमारा डिब्बा बचा है रसगुल्ले वाला, उसमें हम लगाएंगे मनी प्लांट की कटिंग, और दो तीन कटिंग हम ले लेंगे। और देखिए मनी प्लांट पे यदि आप पानी का स्प्रे करते हैं तो आपकी जो मनी प्लांट है उसकी जो पत्ते होते हैं वो शाइनी रहते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप रोज़ स्प्रे करते हैं तो देखिए इसकी जो रूट्स होती है ना ये स्टेम में ही बनती हैं, तो ये जो रूट्स होती है इनको पानी मिलता है, और यदि इनको पानी मिलता है तो पत्तों की साइज़ बड़ी होती है और पत्ते ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। तो अभी मैं इसमें से कटिंग ले लूँगी, कोई भी आप कटिंग ले सकते हैं। इसकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो इसके नोड एरिया पे बनी हुई होती है। और देखिए दीवार से ही चिपक गई, मतलब इसको लग रहा था कि मैं दीवार में घुस सकती हूँ लेकिन नहीं घुस सकती है दीवार में। तो चलिए हम इसको काट के और इसको लगा देंगे मिट्टी में। तो मैं वहाँ से कुछ लेकर के आ गई हूँ कटिंग्स, और ये बिल्कुल एक पत्ती से भी उग जाता है। मैं एक पत्ती वाली इसमें कटिंग लेकर के आई हूँ, इसमें भी रूट्स बनी हुई है, और यदि नहीं भी बनी हुई है तब भी आप लगा देंगे तब वहाँ से रूट्स बन जाएगी और वहीं से नई ग्रोथ भी निकल जाएगी। मैं इसकी तीन कटिंग्स ले आई हूँ और इसको मैं जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ। थोड़े ही टाइम बाद ये बहुत ही घना सा हमारा मनी प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, और इसको मैं रखूँगी अपने किचन में फ्रिज के ऊपर। किचन में भी मैं कुछ प्लांट्स लगाने का सोच रही हूँ, ताकि किचन में काम करने में ना मन लगे, जब हमें प्लांट्स दिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। आप भी घर के अंदर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है। लेकिन हर इंडोर प्लांट को भी हमें 10 से 15 दिन में एक बार धूप ज़रूर दिखानी चाहिए, यानी उसे बाहर ज़रूर रखना चाहिए, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। अब यहाँ पर हमारे तीनों प्लांट लग चुके हैं। मिट्टी में काफ़ी नमी थी इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, उससे हमारी कटिंग गल सकती है, तो मैं नॉर्मल स्प्रे कर रही हूँ। तीन प्लांट्स तो मैंने आपको लगा के दिखा दिए हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो। अब मैं आपको बताती हूँ, एक ये अजवाइन का प्लांट, ये अजवाइन का प्लांट भी बहुत इजी लग जाता है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और मैं आपको साथ ही में ये भी दिखाती जा रही हूँ कि मैंने जो जो कटिंग्स अभी बारिश के टाइम पर लगाई थी बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अपने प्लांट्स इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से मिक्स मैच करके एक ही प्लांटर में बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पर्सलिन लगाई है, साथ में पॉर्चुला का लगाई है, और रेन लिली भी मैंने कुछ लगा दी है। फिफ्थ नंबर पर आता है पर्सलिन। पर्सलिन भी पॉर्चुलाका की तरह ही होती है, बस इसके फ्लावर्स थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसकी भी कटिंग सेम उसी तरह लगाते हैं। और साथ में है मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी गर्मी में बहुत अच्छे फूल देता है, इसकी भी आप स्टेम काट के और लगा दें तो लग जाती है। ये देखिए मैंने पर्पल कलर वाले की लगाई है, मेरे पास तीन कलर है, पर्पल वाले कम हैं तो मैंने उसकी कटिंग लगाई थी, जो कि अभी चल रही है। नेक्स्ट है सदाबहार, इसकी कटिंग भी बहुत ईजीली लग जाती है, आप इसकी एक स्टेम काटिए 3 से 4 इंच की और उसे आप लगा दीजिए, तो ये भी अभी बहुत अच्छे से चल जाती है। मैंने हाइब्रिड वाली जो विनका है उसकी एक कटिंग लगाई है, वो हाइब्रिड सदाबहार भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। नेक्स्ट है कैलेंचो, जिसके ऊपर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसको लगाने का तरीका, इसकी केयर और इसकी वेराइटीज़ के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इसको भी आप इसी तरह स्टेम निकाल करके लगा देंगे तब भी लग जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, तो इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पूरे 8 प्लांट बताए हैं, जो कि एक छोटा बच्चा भी यदि लगाएगा ना तब भी लग जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल बटन, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा।